अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अथर जी और मैं इस वक्त मौजूद हूं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में। मेरे साथ मौजूद है आशिक हुसैन, स्पोर्ट्स ऑफिसर आशिक हुसैन बहरिया यूनिवर्सिटी के। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज इनसे मिलकर, और मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में भी काफ़ी इनसे मालूमात ली, और इस हवाले से मेरा एक विजिट था। और मैं चाहता हूँ कि आशिक हुसैन साहब जो है बहरिया यूनिवर्सिटी की जो है ठीक ठाक काफ़ी इनकी अचीवमेंट है बहरिया यूनिवर्सिटी की, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं। और आशिक हुसैन साहब जो है अपने खुद भी साहब का क्रिकेटर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है, कि कराची के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त की खिदमत है, और ये कोचिंग के हवाले से भी एक बहुत सरगर्म नाम है, और कराची के नामी ग्रामीण कोचेज़ के साथ ये कोचिंग कर चुके हैं, उस कोचिंग पैनल का हिस्सा भी रहे हैं। इसके अलावा ये मैं चाहूँगा कि आशिक साहब खुद अपने बारे में बताएं, और कराची यूनिवर्सिटी की भी कोच है, जो कि काफ़ी बातें इनके हवाले से जो मैं चाहूँगा कि आशिक साहब खुद मुझे बताएं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अठर साहब जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, और माशाल्लाह मुझसे सीनियर भी थे शायद MSc में, तो काफ़ी हम लोग मिलते रहते थे। क्रिकेटर भी हैं, काफ़ी अच्छी क्रिकेट में इनका नाम था। इन्होंने बड़ा काम किया स्पोर्ट्स के लिए, DHA के लिए भी बहुत काम किया है, और माशाल्लाह हर तरफ इन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से। और मैंने भी काफ़ी मैं इनसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैंने बहुत सी अचीवमेंट की। 2008 से मैं यहाँ हूँ, मेरी अचीवमेंट है उसमें मैंने बहुत सी ट्रॉफियाँ जीती हैं, मैंने मेडल लाया हूँ। रशिया जा रहा है मेरा लड़का किक बॉक्सिंग में, अभी इंटरनेशनल खेलने जा रहा है। इससे पहले हमें तकरीबन लड़कियाँ राइफल शूटिंग में मेडल लेकर आ चुकी हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और उससे पहले राइफल शूटिंग में हमारे कई बेतहा में मेडल ला चुका हूँ इधर हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी दिया है। और हमारा माशाल्लाह यह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सरगर्म है, और बहुत से हम लोग हमारे महीने में एक साल में दो इवेंट होते हैं, फॉल और स्प्रिंग। इसमें हम बच्चों को काफ़ी स्पोर्ट्स कराते हैं, उसके अलावा मेरे को बाहर भी हमारा होता है, बहरिया का भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बहरिया मैनेजमेंट का, जो कि मुझे उन्होंने इतना मौका दिया और मैंने स्पोर्ट्स को आगे डेवलप किया। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जो बहरिया यूनिवर्सिटी, जब से आप आए तो ठीक ठाक इनकी पार्टिसिपेशन हो गई स्पोर्ट्स के हवाले से। बेताशा ट्रॉफियाँ जो मैंने खुद भी कैंपस का विजिट किया और मैंने देखी जो आपने जीती हैं, और बहरिया यूनिवर्सिटी का कराची की चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में उनका शुमार होता है, जो कि स्पोर्ट्स में मुकम्मल भरपूर तावन करते हैं इस हवाले से। और दूसरा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा आशिक साहब, कि आप मुझे HSC के रोल के हवाले से बताएं कि HSC की जो पार्टिसिपेशन है उस हवाले से आप लोग किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और HSC के हवाले से अपना स्पोर्ट्स इवेंट करवा रही है उससे आप लोग मुतमईन हैं? मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि हमारी दो यूनिवर्सिटी हैं, मेन यूनिवर्सिटी हमारी इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है। मैं जो वहाँ का जो इवेंट होते हैं इस्लामाबाद वगैरह के, तो हमारी वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी खेलती है, जो कराची में होते हैं उस हवाले से हम खेलते हैं। हमने अभी तकरीबन 2 साल पहले ही हमने बॉक्सिंग में भी मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और हम जितने भी HSC के जो इवेंट होते हैं, इवन के टेबल टेनिस गर्ल्स साइड के जो जो होते हैं फाइनल राउंड होते हैं, वो तकरीबन सारे हम पार्टिसिपेट करते हैं कराची में। अच्छा, बैकग्राउंड जो है क्रिकेट है, और मैंने फर्स्ट क्लास तो नहीं खेली, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 2 क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट वगैरह बहुत खेला मैंने, और कोचिंग के दोनों लेवल किए हुए मैंने, पाकिस्तान बोर्ड से, और MSc किया है मैंने हेल्थ एंड फिजिकल कराची यूनिवर्सिटी से, और बेतहा कोर्सेज किए हुए स्पोर्ट्स के मैंने। तो इस हवाले से अभी भी कोचिंग कर रहा हूँ, क्लब चला रहा हूँ Zone 2 का, ZA स्पोर्ट्स को मैं रन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लड़के हैं और मेरी अकेडमी है बहुत माशाल्लाह काम कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी के भी अब कोच, KU का मैं कोच रहा हूँ, ऑफिशियली कोच KU का रहा मैं HSC की तरफ से, उसमें 10 साल के बाद KU जीती थी, तो मैं ही कोच था उसका, मेरे उससे जीती थी, मेरी प्लानिंग से और तमाम मेरी टेक्निक से वो जीती है। और मैं PIE में भी कोचिंग करता रहा, बेताशा मैंने डिपार्टमेंट में कोचिंग की है, बहुत माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं मुझे इस हवाले से। थैंक यू। अच्छा अशोक साहब, ये बताएं कि आपका स्कॉलरशिप के हवाले से, जैसे तमाम यूनिवर्सिटी में सवाल होता है कि स्टूडेंट, क्योंकि इंटर के एग्जाम हो रहे हैं, उसकी पास करेंगे, तो बहरिया यूनिवर्सिटी इस हवाले से स्टूडेंट को जो आते हैं एडमिशन लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देती है इस हवाले से? अभी देखिए, मैंने बड़ी कोशिश की थी और मुझे बड़ा ताउन दिया हमारे मैनेजमेंट ने, 2% स्पोर्ट्स कोटा हमने यहाँ जारी किया, 2%। हाँ, तो और अल्लाह का शुक्र है, कई लड़के हमारे एडमिशन भी ले चुके हैं, 2% स्पोर्ट्स कोटा में, हर डिपार्टमेंट में 2% के लिए किया है इन्होंने, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस लिहाज से अपने पूरे यूनिवर्सिटी के DC का और हमारे तमाम मैनेजमेंट का, कि उन्होंने बच्चों के लिए किया। और हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी हमारे तालीम के साथ साथ बच्चों को खेलों की भी सहूलियात दे रही है, उसके हाल ही देखें हमारे नाम अखबारों में पढ़े, हम विन करके आ रहे हैं, हमारी मार्केटिंग होती है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात है, इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू।